नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों के लिए जो BPSC और ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए आप लोगों का जो लूसेंट का बूस्टर डोज शुरू किया गया था, इस सीरीज में आज हम लोग जो करेंगे वो रहेगा डे नंबर 5, जिसके अंतर्गत भारत के भूगोल हम लोग कर रहे थे। और भारत के भूगोल के अंतर्गत आज ये 5वां क्लास है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था और आया भी, जिनमें से कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया कि सर क्लास अच्छा है और पसंद भी आया और इसको कंटिन्यू रखिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। बाकी कुछ लोगों का ये कहना था कि ये तो कुछ बकवास है ऐसा वैसा, तो देखिए जिनको भी ये बकवास लगा था वो बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये बकवास है तो बकवास चेक करने से पहले 15-20 मिनट वीडियो को पहले देखा कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि तरीका क्या है, पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बदला गया, बुक जो है रेफरेंस वो आपका रेफरेंस ही रहेगा। बाकी आप समझदार हैं, आप लोग अपने हिसाब से काम करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपको जितना हम सक्षम होंगे उतना हम समझते समझाते हुए आपको क्लास को कराएंगे। बाकी ध्यान रखेंगे, ये आपका 2022 का एडिशन है जो कि 2021 में आया था, 2022 में मार्केट में आया है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन। और इस क्लास में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा भारत के खनिज संसाधन से, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग भारत के सिंचाई तक पढ़ चुके हैं, यानी कि आज हम लोग का पॉइंट नंबर 3 होगा, ठीक ना। यानी कि बढ़िया चैप्टर है, चैप्टर में बने रहेंगे और वीडियो में भी बने रहेंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहेंगे। मुख्य रूप से आप कमेंट में ज़रूर बताया करेंगे कि आपका रिस्पांस कैसा है, क्लियर। आइए देखेंगे आज जो है 10वां नंबर चैप्टर, भारत के खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधन से अक्सर एक दो को प्रश्न जो है मुख्य रूप से आपका पहला तो जो पूछेगा कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है और कौन सा खनिज किस लिए महत्वपूर्ण है और कुछ जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। और बाकी जो इसमें जो बॉक्स दिया गया है भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, उसमें थोड़ा सा आप लोग को खुद मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। हमारा एक बार पढ़ने से या पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग इसको एक बार दो बार और रिवीजन करते रहेंगे। बाकी आइए जितना सक्षम होगा उतना हम आपको अंडरलाइन करा देंगे, अपने बुक में उस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि अक्सर प्रश्न पूछा गया या पूछे जाने की संभावना है वो हम आपको बता देंगे। तो देखेंगे सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है कि चैप्टर नंबर 10, भारत के खनिज संसाधन। तो देखिए कहता है कि भारत में खनिजों के सर्वेक्षण पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। साथ ही साथ एक होता है भारतीय खान ब्यूरो जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में होता है, इतना। उसके बाद है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिसे हम ONGC बोलते हैं, इसका मुख्यालय देहरादून में है। फिर खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड मुख्यालय नागपुर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मुख्यालय हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये सभी जो है जितने हैं वो सभी संस्थान मिलकर के खनिजों का जो है ये निकालने का काम करता है, सर्वेक्षण करता है, अन्वेषण करने का काम करता है। तो ये सभी जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं उसको याद रखिएगा। सबसे पहला कौन सा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कोलकाता, भारतीय खान ब्यूरो ये अक्सर पूछा जाता है नागपुर, ONGC का मुख्यालय याद रखिएगा 1956 जो है देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड मुख्यालय नागपुर, और बाकी जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। अब आइए आगे कहता है कि धारवाड़ क्षेत्र यानी कि जो धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है ये मुख्य रूप से याद रखेंगे। फिर भारत में शीर्ष जो है 5 खनिज उत्पादक राज्य है कौन कौन सा, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कौन कौन से, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है भारत में, ये 5 राज्यों में मुख्य रूप से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अवसादित शैलों में पाया जाता है, आपको याद रखना अवसादित चट्टान, यानी कि पेट्रोलियम जो होता है वो अवसादित चट्टान से होता है यानी कि निकाला जाता है। आपको पता होगा कि अवसादित चट्टान से ही कोयला भी निकाला जाता है, तो उसे भी याद रखेंगे। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में यानी कि वही ONGC के स्थापना के बाद शुरू हुआ, और भारत में सेल जो है गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, ध्यान देंगे कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्यन बेसिन में पाए जाते हैं। सेल गैस के संसाधन
कैम्बे बेसिन, कृष्णा बेसिन, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्यन बेसिन में पाया जाता है। मुख्य तो ये हो गया। अब आगे बढ़िए, आगे जो आपको दिया है वो पूरा का पूरा है बॉक्स, जो कि बॉक्स में आपको ध्यान से आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। एक एक करके जो हमें इसमें है वो इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद पढ़ लेंगे टाइम निकाल करके। देखेंगे सबसे पहला है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला जो है वो असम का है डिगबोई, यानी कि सुरमा घाटी। मुख्य आपको सुरमा घाटी याद रखना है। दूसरा है गुजरात, गुजरात का खंभात और अंकलेश्वर। अंकलेश्वर पूछता है कि कहाँ पर स्थित है अंकलेश्वर तेल परिशोधन जो प्रयोगशाला है, ये कहाँ पर है, तो गुजरात के खंभात में। बॉम्बे हाई आपसे पूछेगा महाराष्ट्र में, तो तीन नाम याद रखना है, डिगबोई, अंकलेश्वर और बॉम्बे हाई। ठीक है, जो पेट्रोलियम है वो किससे किस चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादित चट्टान में पाया जाता है। यहाँ तक भी ठीक है, ध्यान देंगे। कहता है कि भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 में असम के माकान में, कहाँ पर, माकान में हुआ था। उसके बाद अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ, गुजरात वाला जो है वहाँ पर 1960 में हुआ। और इम्पॉर्टेंट ये है कि गुजरात का जो अंकलेश्वर वाला है उसका जो कुआं है उस कुएं का नाम रखा गया है वसुधारा। क्या नाम रखा गया है, वसुधारा नाम रखा गया है, तो वो नाम याद रखेंगे। यानी कि पेट्रोलियम से संबंधित हमको तीन पॉइंट याद रखना है, वो तीन पॉइंट कौन कौन सा है, एक आपका डिगबोई, एक आपका अंकलेश्वर, एक आपका बॉम्बे हाई। और सबसे पहला जो तेल कुआं खोदा गया वो था 1867 में असम में, और उसके बाद 1960 में जो बना लगभग 100 साल के आसपास में वो बना आपका अंकलेश्वर गुजरात में, जो कि वसुधारा के नाम से जाना गया। नोट में पढ़ेंगे, नोट में लिखा है कि दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में किया गया। यानी कि स्टैटिक जीके के रूप में भी इसको याद रखेंगे कि दुनिया में सबसे पहला, तो 1859-60 यानी कि 8 साल बाद, यानी कि 8वां साल जो है भारत में कुआं की खोद की गई, किसका, पेट्रोलियम का, और 1859 में पेंसिल्वेनिया अमेरिका में किया गया दुनिया का पहला तेल। इसका विशेष बिंदु की बात करें, विशेष बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि मुंबई हाई की खोज 1973 यानी कि 1973, ये आपको याद रखना है। यहाँ से तेल जो है उत्पादन की शुरुआत ONGC द्वारा 1976 में हुई, तो पॉइंट ये भी याद रखेंगे। ONGC जिसका स्थापना 1956 में होता है, 1976 में यानी कि 20 वर्षों बाद मुंबई हाई जिसकी स्थापना 1973 में होती है यानी कि खोज, वहां पर ONGC तेल निकालने का काम 1976 में यानी कि 3 साल बाद करता। यानी कि आपसे अगर प्रश्न कभी पूछा जाए कि मुंबई हाई यानी कि महाराष्ट्र, मुंबई हाई को ही बॉम्बे हाई कहा जाता था, वर्तमान में मुंबई उसका नाम है तो उसको मुंबई हाई ही कहा जाता है, तो जो मुंबई हाई या बॉम्बे हाई है वहाँ से तेल निकालने का काम कौन सी कंपनी करता है, तो ONGC करता है। ONGC का मुख्यालय झटके में बताएं कि कहाँ है। आगे बढ़िए, कहता है कि ये मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में है, यानी कि मुंबई हाई भी कहाँ पर है, खंभात की खाड़ी में है, और गुजरात में भी जो है वो खंभात की खाड़ी, अंकलेश्वर। आगे कहता है कि यहाँ पर तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है। क्या है, सागर सम्राट है, जो एक जलयान है और जिसे जापान से मंगाया गया है डायरेक्टली। ये सब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तेल निकालने वाली जो जलयान है उसका नाम है सागर सम्राट, जापान से लाया गया है। इस क्षेत्र में 21 परिष्करणशालाएँ यानी कि तेल सोदा कारखाना कार्य कर रहा, जिसमें से 17 जो है गवर्नमेंटल है, 3 निजी है और 1 संयुक्त क्षेत्र का है, यानी कि गवर्नमेंट और मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर के काम कर रहा है। तो इसका मुख्य बिंदु भी और प्राप्ति स्थान तीनों जो भी था वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए इस पर हमने सारी बात बता दी। आगे आइए लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर हर एक राज्य का जो है अलग अलग नाम दिया गया, तो ये सभी नाम को आपको एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप इन सभी को रिपीट करते रहेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बस हम यहाँ पर एक बार डायरेक्टली पढ़ देते, आप लोग अपने टाइम निकाल करके या बुक सामने है तो टाइम वहाँ पर दे करके आराम से पढ़िएगा, ध्यान दे करके पढ़िएगा। सबसे पहले अगर लौह अयस्क की बात करें तो ओडिशा के अंतर्गत सोनाई, क्योझर और मयूरभंज, मुख्य रूप से जो आपका है क्योझर, क्योझर जो है इसको याद रखिएगा, मयूरभंज को याद रखिएगा, ये दो बात। फिर झारखंड में आपका सिंहभूम याद रखिएगा,
हजारीबाग, पलामू और धनबाद में भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में जो याद रखेंगे, बस्तर का क्षेत्र याद रखेंगे, पूछा जाता है। बस्तर है, दुर्ग है, रायपुर है, रायगढ़ है, बिलासपुर है। मध्य प्रदेश में जबलपुर का क्षेत्र जो है ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कहता है कि कर्नाटक का बिलारी, चिकमंगलूर याद रखेंगे, चीतल दुर्ग याद रखेंगे, महाराष्ट्र का रत्नागिरी याद रखेंगे, तमिलनाडु का सलेम और तिरुचिरापल्ली और गोवा, ये सभी राज्य और राज्य से संबंधित स्थान हैं जिसको आपको खुद पढ़ना होगा, जिस पे आपको टाइम देना होगा। हम बार बार कह रहे हैं इस सभी चीज़ों पर आपको टाइम दे करके पढ़ना होगा, तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। आइए इसका लौह अयस्क का विशेष बिंदु की बात करें तो कहता है कि विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान जो है चौथा है। क्या है? भारत का स्थान चौथा है। दूसरा, तीसरा और पहला स्थान पर, पहला पर चीन, दूसरा पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरा में ब्राजील। इस चीज़ को क्रमागत आप याद रखेंगे, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चौथा में भारत लौह अयस्क में। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान। एक बात ध्यान रखिएगा, संचित भंडार और उत्पादन दोनों में अंतर होता है। उत्पादन कहने का मतलब है कि आप मान लिया जाए 1 केजी सेब उत्पादित कर रहे हैं, तो वो उत्पादन आपका 1 केजी सेब है, मगर उसी 1 केजी सेब को ला करके कहीं पर हम जमा कर रहे हैं तो वो जो है संचित भंडार कहलाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा भंडारित तो जो लौह अयस्क है वो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा लोहे का भंडार होता, मगर उत्पादन में भारत जो है चौथा। यानी कि भारत तो उत्पादन कर रहा है, यानी कि या तो वो लोहा का या तो कहीं से निर्यात कर रहा होगा, लेकर आ रहा होगा, आयात कर रहा होगा, या फिर अपने ही लोहा को वो बाहर बेच नहीं रहा होगा, दो काम में एक काम कर रहा होगा, तभी उसके पास इतना जमा। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो राज्य है उनमें कर्नाटक पहला स्थान, छत्तीसगढ़ दूसरा, उड़ीसा जो है तीसरे नंबर पे आता है, ये याद रखिएगा। कर्नाटक लौह अयस्क में पहला, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा में गोवा, पांचवा में झारखंड। उसी प्रकार आपका मैग्नीज है, मैग्नीज के सभी राज्य आप पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं आपको बता रहे। आगे आइए, मैग्नीज का विशेष बिंदु की अगर बात करें तो मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में, ध्यान देंगे, भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में जो है मैग्नीज उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पांचवा स्थान है उत्पादन में, ध्यान देंगे, भंडारण में दूसरा, उत्पादन में पांचवा। ओडिशा भारत का 34% मैग्नीज उत्पादन करके पहला स्थान, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ओडिशा जो है 34% मैग्नीज उत्पादन करता है। मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सभी में अंतर याद रखिएगा, ये सिर्फ मैग्नीज है, ठीक है। तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा में, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पे मध्य प्रदेश। परसेंट याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है, ओडिशा वाला खाली याद रख सकते हैं 34%। आगे आइए कोयला, कोयला की अगर बात करें तो इसमें भी जितने भी राज्य हैं उनमें आप सबको याद रखिएगा। यहाँ पर आइए एक नाम बता देते हैं आपको, अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश आखिरी में आपका नाम होगा नामचिक और नामफुक। नामचिक और नामफुक जो है इसको आपको याद रखना चाहिए, क्या है कि यहीं से कोयला उत्पादन के क्षेत्र में ये प्रश्न बनाता है। उसके बाद आपसे एक बनाएगा रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल के हिस्सा में आता है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। किसका? पश्चिम बंगाल का रानीगंज आपसे पूछेगा। बाकी और भी सभी कुछ है, एक और आइएगा, एक आपका तेलंगाना में देखेंगे सिंगरेनी होगा। सिंगरेनी और सिंगरौली दो अलग अलग नाम होते हैं, तो आगे कहीं पर सिंगरौली मिलेगा, बाकी यहाँ पर सिंगरेनी। सिंगरेनी जो स्थान है कोयला के लिए जाना जाता है, ये तेलंगाना में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे, क्लियर। तो आपको याद कौन कौन सा रखना है कोयला को लेकर के, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, तेलंगाना का सिंगरेनी और अरुणाचल प्रदेश का, दोनों याद रखेंगे नामचिक और नामफुक, बाकी टाइम निकाल करके और भी सभी पढ़ लेंगे। अब आइए इसका विशेष बिंदु, कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। पहली बात, कोयला में विश्व में भारत तीसरा। कोयले, भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम तीन राज्य, कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा झारखंड, ये अक्सर पूछा जाता है। लगभग 40% कोयला झारखंड के सिंहभूम, गिरिडीह और धनबाद के हिस्सा में पाया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। कोयला में तीन प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, पीट और लिग्नाइट, जिसमें से एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है, ये आप याद रखेंगे, ये साइंस में भी आपसे पूछा जाता है।
कोयले को उद्योग की रोटी काला सोना भी कहा जाता है, इसे भी डायरेक्टली याद रखेंगे। उद्योग की रोटी और काला सोना के नाम से किसे जाना जाएगा? तो कोयला को। मगर कोयला का ही एक अलग रूप है, उसको हम बोलते हैं लिग्नाइट, यानी कि प्रकार है, वो लिग्नाइट को हम भूरा कोयला कहते हैं। बात समझ में आई? कोयला को काला सोना कहा जाता है, जबकि कोयला का ही एक श्रेणी है लिग्नाइट, उसे हम भूरा कोयला कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आ गया ये तांबा। तांबा में अगर देखा जाए तो तांबा में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें खेतड़ी याद रखिएगा, राजस्थान का, बाकी और कहीं पर उस तरह से नहीं है, फिर भी और आप अपने से पढ़ लेंगे। वो आंध्र प्रदेश में देखिए एक नया नाम सा लग रहा है, अग्निगुंडल। आंध्र प्रदेश में एक नाम है अग्निगुंडल, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडल को एक बार पढ़ लीजिएगा, वो कभी कभी थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, कभी पूछ दे तो ध्यान रखिएगा। अग्निगुंडल आंध्र प्रदेश का तांबा के लिए जाना जाता है। बाकी सभी पॉइंट को एक बार खुद से पढ़ लेंगे। आगे तांबा की विशेष बिंदु कहता है कि भारत में तांबा के उत्पादन में पहला तीन राज्य कौन सा? तांबा में सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड। और राजस्थान के जवार खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान का जवार खान किस लिए प्रसिद्ध है, सबसे पहला ये पूछेगा। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में हमको जस्ता दिखेगा तो हम सबसे पहले जस्ता को मारेंगे, ठीक है। और अगर ऑप्शन में दोनों है और तीसरा ऑप्शन अगर हमारे साथ ए एंड बी वाला है तब हम ए एंड बी के साथ जाएंगे। दोनों तरह से ऑप्शन को और प्रश्न को चेक कर लिया करेंगे जब ऐसा प्रश्न पूछे तो। क्या समझे? राजस्थान के जवार खान, पहला तो डायरेक्टली ये पूछ देगा कि जवार खान किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। क्यों प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। और राजस्थान जो है तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। और वही एक खेतड़ी बोलेगा तो खेतड़ी डायरेक्टली जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों तरह से हम आपको प्रश्न बता दिए हैं, प्रश्न को ध्यान रखेंगे। जवार खान जस्ता के लिए, जबकि खेतड़ी डायरेक्टली तांबा के लिए। और वही जवार खान में और किसका किसका? तो तांबा और जस्ता। आगे आते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जो कहता है ये आपका अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तरीकों से पाया जाता है, जिनमें आपको एक बिहार का क्षेत्र याद रख लीजिएगा, बिहार वालों खास करके बिहार का क्षेत्र याद रख लेंगे। पूछा जाता है गया और मुंगेर में आपको बॉक्साइट मिलेगा, बाकी और भी जो है उसको पढ़ लेंगे। आपका नेल्लौर आंध्र प्रदेश वाला याद रखिएगा बॉक्साइट के लिए। और उसके बाद कहता है विशेष बिंदु कि भारत जो है बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है, यानी कि हम किसी पर आधारित नहीं है, बॉक्साइट का उत्पादन हम खुद कर सकते हैं। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक ओडिशा में होता है, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा, सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन में भी ओडिशा। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज बॉक्साइट ये दो जगह आपका जो हो गया ओडिशा आ गया, तो वो याद रखिएगा। कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट ओडिशा में, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे पर झारखंड का स्थान आता है। आ गया ये अब्रक। अब्रक कहता है कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला, इसको याद रख सकते हैं, बाकी आप और किसी को याद रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। आगे कहता है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश जो है भारत का 72% से अधिक जो है अब्रक पैदा करता है, दूसरे स्थान पर राजस्थान। आपके लिए याद क्या रखना है, अब्रक उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान। अगला सोना। सोना में देखिए, सोना में आपको कर्नाटक में तीन नाम होगा। कर्नाटक का कोलार, आपने अगर केजीएफ मूवी देखा होगा तो केजीएफ का पूरा नाम ही है कोलार गोल्ड फैक्ट्री। तो कर्नाटक का कोलार, ऊटी और हट्टी का खान, ये तीनों आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश का रामगिरी का खान याद रखना है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? कर्नाटक का कोलार, ऊटी और हट्टी की खान। ध्यान दीजिएगा, एक ऊटी जो होता है एक और किसी अन्य राज्य में पाया जाता है, कोई बताएंगे? ऊटी जो है एक और दूसरे राज्य में भी पाया, ऊटी एक स्थान है जो किस राज्य में है बताइए तो जल्दी? तमिलनाडु में। नहीं, तमिलनाडु में एक स्थान है, पर्यटन स्थल है ऊटी, मगर ध्यान रखिएगा वो ऊटी जो है तमिलनाडु का पर्यटन स्थल है, जबकि यहाँ पर ऊटी जो कर्नाटक के अंतर्गत है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो अंतर दोनों का डिफिकल्ट है, मतलब कि आपके सामने अब क्लियर हो चुका है। ऊटी तमिलनाडु वाला जो कि पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, लोग घूमने जाते हैं, जबकि कर्नाटक का ऊटी जो कि सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। और हट्टी की खान, कोलार खान, ये सभी याद रखें।
देश में कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% यानी कि लगभग लगभग पूरा जो है कर्नाटक में ही प्राप्त होता है, और उसके बाद आता है दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का। नोट में देखेंगे एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका में मोपेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी खान है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका में मोपेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी सोने की खान है, जो कि लगभग 3.9 किलोमीटर है। पुराने वाला किताब में नहीं होगा, नोट में वहीं पर कहीं पर जगह में लिख लेंगे। आगे आइए, हीरा की बात करें तो हीरा जो है मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा को फेमस होगा, उसको याद रखिएगा। और यहाँ देखिएगा, हम आपको बस अंतर समझाने के लिए इस चीज़ को हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए एक नाम लिखा हुआ है मझगावा खान, मझगावा खान। अगर आप लोग पढ़े होंगे, कभी आपको ध्यान होगा, आप लोग नाम सुने हुए मझगांव डाकिया, क्या नाम सुने हैं? मझगांव डाकिया या सिपिया, ठीक है, मझगांव डॉकयार्ड। यहाँ से हम रिटर्न हो गए किस में, तो मेरा अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए रिटर्न क्वालिफाई कर गए, प्रैक्टिकल क्वालिफाई कर गए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया तो रिटर्न कर दी। तो ध्यान रखिएगा, ये मुंबई के अंतर्गत है। मझगांव डॉकयार्ड जो है कहाँ पर है? मुंबई के अंतर्गत है, बड़ा बड़ा जहाज बनाने का काम करता है। मौका भी मिला जहाज बनावे के, जाके दो चार को लोहा लगकर काट भी दिए, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता था करता तुम्हारा ही चले आए। और ये हमको हमेशा याद रहेगा, ये फरवरी का महीना था 2020 वाला, और 20 के फरवरी के महीना में मेरा मोबाइल चोरी हो गया था जब जा रहे थे इसका एग्जाम देने प्रैक्टिकल, तभी ठीक ना, ये हमेशा याद रहेगा हमको। तो ये ध्यान देखें, ये मझगांव डॉकयार्ड जो है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, जबकि यहाँ पर एक नाम दे रखा है हीरा के खान में मध्य प्रदेश का मझगावा खान। क्या है? मझगावा खान। तो मझगावा खान याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, जबकि मझगांव डॉकयार्ड मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट रहता तभी हम जहाज बनाए रहते है ना, बम बनाते बनाते चल गए थे जहाज बनाने, बम भी बन गया जहाज छूट गया। आ गया ये जस्ता क्या कहता है, जस्ता कहता है कि राजस्थान जो है उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, और उत्पादन में जो जम्मू कश्मीर है वो द्वितीय स्थान है जस्ता के उत्पादन में, ठीक है। राजस्थान जो है उत्पादन में प्रथम है, जवाहर खान जो है जस्ता उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऊपर भी हम लोग पढ़े थे एक, किसके लिए? तांबा के लिए। जवाहर खान जो है तांबा भी पाया जाता है मगर कम पाया जाता है, मुख्य रूप से जवाहर खान जो है जस्ता के लिए पाया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम की बात करें तो झारखंड में ही मुख्यतः पाया जाता है, तो डायरेक्टली याद रखिएगा यूरेनियम का झारखंड, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम। उसके बाद कहता है कि झारखंड जो है यूरेनियम उत्पादन में पहला स्थान, और मुख्यतः झारखंड में जो है यूरेनियम खान जादूगोड़ा में है। कहाँ पर? जादूगोड़ा में, झारखंड में ही है। मैग्नेजाइट, मैग्नेजाइट कहता है आपका उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक भंडारण जो है इसका उत्तराखंड में। चांदी, चांदी का देखिएगा राजस्थान का जवाहर खान जो है चांदी, तांबा और जस्ता तीनों में आ रहा है। चांदी, तांबा और जस्ता के लिए राजस्थान का जवाहर खान, तो ये तीनों याद रखिएगा। उसके बाद कर्नाटक का चित्रदुर्ग और बेल्लारी, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा, कुडप्पा याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा याद रखेंगे चांदी के लिए। फिर झारखंड का संथाल परगना, सिंहभूम, ये सबसे मतलब नहीं है। चांदी उत्पादन में पहला स्थान जो है राजस्थान का ही है, इसको याद रखें। थोरियम और पायराइट जो है राजस्थान में है और केरल में है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत याद रखेंगे, और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में, थोरियम का भंडार केरल में, थोरियम का निर्माता भारत याद रखेंगे इसको। क्रोमाइट की बात करें तो झारखंड, ओडिशा में, ओडिशा जो है प्राय पहला स्थान है क्रोमाइट में। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, मुख्य भंडार देगाना, ये देगाना स्थान याद रखेंगे, देगाना जो है राजस्थान में है, टंगस्टन के लिए जाना जाता है। सीसा झारखंड राजस्थान में, लिग्नाइट तमिलनाडु राजस्थान में, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट है भंडारण में। टीन है छत्तीसगढ़ में, इसका लगभग संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में।
तो ये आपका था भारत के प्रमुख संसाधन, हम इसको एक उड़ते तीर में हम आपको बता दिए हैं, जो मेन मेन पॉइंट था हर एक खनिज पदार्थ से उसको बता दिए, बाकी बचे खुचे काम जो है आपको खुद कर लेना होगा, आपको खुद पढ़ लेना होगा, स्थिर से टाइम निकाल करके इसको पढ़िएगा एक बार दो बार तब याद रहेगा, कुछ कुछ स्थान का नाम याद रख लेंगे, बाकी विशेष बिंदु जो है वो पूरा याद रख लेंगे, तो उसके लिए आपको करना होगा रिवीजन, और रिवीजन करना आपका परम कर्तव्य है, बाकी मेरा कोई कर्तव्य नहीं, ठीक है। दसवां चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, हम आपको फिर एक बार बोल दे रहे हैं, दसवां चैप्टर का जो भारत के प्रमुख खनिज संसाधन का बॉक्स है उसको आप लोग एक बार दो बार और पढ़ लीजिएगा। अब आगे है हमारा भारत के उद्योग यानी कि 11 नंबर चैप्टर, भारत का उद्योग से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सभी उद्योग से नहीं पूछा जाता है, चार पांच गो उद्योग क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है और उसी सबसे आपसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके पढ़ेंगे सारे भारत के उद्योग, और देखिए कुछ खास जो रहेगा उसको हम आपको रिपीट करा देंगे, रिविजन करा देंगे, अंडरलाइन करा देंगे, अपना काम कर लीजिएगा। देखेंगे सबसे पहला कहता है लौह इस्पात उद्योग यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री, यहाँ से देखेंगे सबसे पहला आपका देगा कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुलटी यानी कि पश्चिम बंगाल आसनसोल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स, ध्यान देंगे बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था, बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई और इसे बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम कर दिया बराकर आयरन वर्क्स। ध्यान देंगे लौह इस्पात का पहला कारखाना 1874 यानी कि आज़ादी से पहले की कहानी बताता है कि 1874 में बराकर नदी के किनारे कुलटी जो स्थान है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत उसका नाम था बंगाल आयरन वर्क, बीच में वो बंद हो गया, बंद होने के कारण स्वतंत्रता के बाद जो है बंगाल सरकार उसके अपने कब्जा में लिया और जो बंगाल आयरन वर्क्स था उसका नाम जिस नदी पर स्थित था उस नदी के अनुसार रख दिया बराकर आयरन वर्क्स। आगे अगला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड है, कहता है कि देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार यानी कि वर्तमान का झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी की घाटी पर साक्ची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। पॉइंट समझेंगे, जब अगर हमसे प्रश्न कहेगा कि भारत में या देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब, तो 1874 बराकर नदी पर कुलटी में जो कि बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से था, बाद में बराकर हो गया बंगाल सरकार के अंतर्गत, मगर सफल और सबसे बड़ा बोलेगा तो 1907 का टिस्को जिसको कहते हैं, या फिर कह दे हम जो जमशेद जी टाटा द्वारा किया गया था, नदी भी याद रखेंगे स्वर्णरेखा नदी, स्थापना के समय वो बिहार के अंतर्गत हुआ करता था, वर्तमान में ये झारखंड में है और जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया है। आगे बढ़िए, यहाँ पर दिया है कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने यानी कि हमारे स्वतंत्र होने से पहले, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1947 से पहले की घटना, सबसे पहला है भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 में हो गया था और कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, और यहाँ पर 1922 में उत्पादन शुरू हुआ, आगे चलकर कुलटी बर्नपुर और हीरापुर स्थित सभी को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, सबसे पहला स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय लौह इस्पात कंपनी 1918 में बना दामोदर नदी घाटी। उसके बाद आता है मैसूर आयरन स्टील वर्क्स, मैसूर जो है 1923 में मैसूर राज यानी कि वर्तमान का कर्नाटक में भद्रावती नामक स्थान पर हुआ, बाद में इसका नाम विशेष बरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, और इसका नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया हुआ है कि मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का नया नाम किस रूप में परिवर्तित किया गया है, तो विशेष बरैया के नाम पर किया गया है। तीसरा है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में हुआ, 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया, ठीक है ये हो गया तीन।
अब आता है हमारा स्वतंत्रता के बाद स्थापित लौह इस्पात कारखाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखिएगा, तीन चार मिलेगा आपको यहाँ पर। सबसे पहला है आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना, यानी कि जब हम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पढ़ते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स में इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, जब पंचवर्षीय योजना हम पढ़ते हैं तो जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना काल के अंतर्गत 1956 से 61 का समय था, उसी 1956 से 61 के समय में यानी कि स्वतंत्रता के बाद की घटना है, और इस बीच में तीन जो है वो बनाया गया, सबसे पहला भिलाई, उसके बाद जो है राउरकेला, उसके बाद दुर्गापुर। क्लियर, भिलाई इस्पात कारखाना, इसमें से जो देखिए अब आपको याद रखने वाली यहाँ से जो मुख्य है वो तीन चीज, हर एक नाम से आपको तीन याद रखना। पहला भिलाई इस्पात कारखाना वो है कहाँ, किस राज्य में जो, दूसरा उसकी स्थापना, तीसरा वो किसकी सहायता से बना, तीन चीज ध्यान देंगे। भिलाई इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना 1955 में हो जाती है, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भिलाई जो था वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, मगर वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता है। जल्दी से बताएंगे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ था, सोच के बताएंगे जल्दी से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ, 2000 ईस्वी में, कितना तारीख को बताइए तो जरा शॉर्ट डेट, 1 नवंबर की 9 नवंबर, 9 नवंबर की 1 नवंबर, देखिए हाँ इसमें तीन गो है, 1, 9, 15 है ना, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, आप बताइए, एक नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड, समझ गए, तीनों डेट याद रखिएगा। और इसमें सबका सेम है, कितना 2000 याद रखेंगे। हाँ तो भाई क्या कह रहा है, ये 2000 के आसपास का कहानी है, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल के नाम से अलग हुआ था, बाद में शायद 2008-09 में वो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड का नाम परिवर्तन इसमें चेक कर लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड बना, और बिहार का जो अस्तित्व है वो 15 नवंबर 2000 के बाद का वर्तमान में। अब आगे बढ़ते हैं, आते बैक, बात कर रहे थे भिलाई इस्पात संयंत्र की, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के, तत्कालीन मतलब होता है उस समय के अनुसार, भिलाई में वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में है, यहाँ पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, पूर्व सोवियत संघ बोले तो वर्तमान का रसिया कह सकते हैं, यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था 1991 में, ये सब धीरे धीरे टूट गया, तो अगर सोवियत संघ नहीं दिया रहेगा तो रूस दिया रहेगा, रूस आप आंसर कर सकते हैं। आगे ये जो है 1959 में उत्पादन प्रारंभ किया, यानी कि लगभग स्थापना के 4 साल बाद, ये हो गया। दूसरा आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जिसको हम राउरकेला इस्पात संयंत्र कहते हैं, और ध्यान देंगे यहाँ पर नाम दे रखा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, तो यह भी याद रखेंगे कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL कहाँ स्थित है, तो HSL जो है ये राउरकेला के अंतर्गत है, राउरकेला वर्तमान में उड़ीसा राज्य के अंतर्गत है। और जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है 1959 में बनता है, कब बनेगा, 1959 में बनेगा, और जर्मनी की सहायता से बनता है, तो ये याद रखें। उसके बाद आता है तीसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है ये 1956 में बनता है, कब बनता है, दुर्गापुर 1956 में बनता है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर है, ब्रिटेन की सहायता से है, 1962 में बनता है, कब बनेगा, सॉरी 1962 में उत्पादन प्रारंभ करता। अब आगे देखेंगे 1962 में तो ये उत्पादन शुरू कर दिया। अब आगे तीसरा पंचवर्षीय योजना काल, तीसरा पंचवर्षीय योजना का समय बताएंगे जल्दी से, इकसठ से तीसरा पंचवर्षीय योजना काल, 1961 से 66 जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना काल। अब इसमें समझिएगा,
तीसरा पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना क्या कह रहा है? बोकारो स्टील कारखाना, यानी कि प्लांट बोकारो जो है वर्तमान में झारखंड के अंतर्गत है। जिस समय स्थापना हो रहा था, स्थापना 1964 में हुआ, उस समय बिहार में था, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बोकारो जो है वर्तमान में झारखंड में है और ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा 1964 का सीक्वेंस हम आपको बता दिए हैं। कैसे याद रखना है? ये वाला भिलाई दुर्गापुर राउरकेला और बोकारो, बोकारो तीसरा पंचवर्षीय योजना है, बाकी आपका भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला एक साथ कीजिए। भिलाई का 55, दुर्गापुर का 56, राउरकेला का 59, बोकारो का 64, ठीक ना। और बाकी जो है उसका सबका डेट बता भी दिए। देश भी भिलाई रूस के साथ, दुबे जी हो जाएगा दुर्गापुर ब्रिटेन के साथ, राउर जाइना मतलब कि राउरकेला जर्मनी के साथ, और बोरा हो गया बोकारो रूस के साथ यानी कि सोवियत संघ के साथ। आगे बढ़ा जाए, आगे आता है चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। चलिए देख लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथा पंचवर्षीय योजना का समय बताएंगे 1969 से 74, बिचवा के 3 साल कहाँ गया? बीच में 3 साल था अपना योजना अवकाश, तीसरा से चौथा पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना अवकाश आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग कल या परसों के क्लास में पढ़े थे कौन सी क्रांति, हरित क्रांति पढ़े थे। अब आइए चौथी पंचवर्षीय योजना में देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, विजयनगर, हॉस्पेट बेल्लारी जिला कर्नाटक, ये हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना। यानी कि दूसरा तीसरा चौथा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सभी दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ और दिमाग ना लगाइए। अब आइए, अब आता है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, है ना। सेल देखिए अब यहाँ पर ईश्वर लगता है सुधार किया है जी। 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत सरकार इस्पात क्या है, भारत इस्पात प्राधिकरण यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई दुर्गापुर बोकारो राउरकेला बर्नपुर सलेम विशेष बरैया मतलब मिला जुला के पीछे जितना बना उस सबको मिलाकर के एक कारखाना बना दिया यानी कि एक संस्था बना दिया जिसको नाम दिया गया सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है 24 जनवरी 1973। अधिकांश जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 1974, जो कि 1974 गलत है, डायरेक्टली गलत है। अगर ऑप्शन में आपको 73 नहीं रहेगा तब आपके पास वही एक ऑप्शन बचेगा, तो आप 74 मार दीजिएगा। मगर ध्यान देंगे कहीं चौथा ऑप्शन ऐसा ना हो कि नन का भी हो, तो भी ध्यान देंगे 1973 को टच करेंगे। आगे बढ़िए, तो यहाँ पर ये सबको मिला दिया, पिछला जितना भी बना होता है वो सबको मिला करके एक जिम्मेदारी दे दिया किसको, सेल का, और सेल की स्थापना 1973 में हो गई। कहता है कि वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश, भारत जो है विश्व में चौथा, और स्पंज आयरन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, यानी कि स्पंज आयरन में जो है मुलायम लोहा जो होता है उसके लिए भारत विश्व में पहला स्थान रखता। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया है, याद रख लीजिएगा पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना मतलब समुद्र के किनारे। दूसरा उद्योग है हमारा एल्युमिनियम उद्योग, इधर जितना भी पढ़े लॉ इस्पात से याद होगा, जिन्होंने अगर 2213 वाला दरोगा दिए होंगे उसमें से एक पूछा हुआ था, ठीक है, डायरेक्टली शायद ऐसे पूछ दिया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा स्थापना नहीं हुआ था, ऐसा कुछ था। चारों ऑप्शन था आपका, राउरकेला था, भिलाई था, दुर्गापुर था और बोकारो था, ये सब याद रखिएगा, कभी कभी यहीं से छोटा छोटा प्रश्न दे देता है, ठीक है। आगे एल्युमिनियम कहता है कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापना हुआ। एल्युमिनियम कारखाना 1937 ईस्वी में कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। 1938 में 4 कारखाना तत्कालीन बिहार राज्य के मूरी, केरल के अलवाय, पश्चिम बंगाल के बेल्लूर, ओडिशा के हीराकुंड में स्थापित हुआ, यानी कि अगले साल 4 कारखाना और। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, हिंडाल्को की स्थापना 1958 रेणुकूट उत्तर प्रदेश में होता है, ये याद रखेंगे, डायरेक्टली आपको हिंडाल्को पूछेगा, या फिर कभी कभी आप अगर कभी पढ़े होंगे घटना चक्र वगैरह तो उसमें दिया होता हिंडाल्को ऐसा, और उसका पूरा नाम पूछता है,
तो भी याद रख सकते हैं, यह के एग्जाम में कहीं पर पूछा हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को हिंडालको कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला हमारा है कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई है। ठीक है, मद्रास एल्युमिनियम कहाँ है, तो तमिलनाडु के मैटूर में। यहाँ पर भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है, जैसे देखिए दिया है बालको, नालको, हिंडालको, हिंडालको, मालको, वेदांता। ऐसा लगा कि जैसे कि वो कौन सा टेंथ के आसपास में पढ़ना था वो संस्कृत का, बालको, बालका, बालको था ना, वैसा वाला लगा ये, बालको, नालको, हिंडालको, हिंडालको, मालको और वेदांता। तो आइए देखते हैं, कहता है बालको, बालको जो है ये सोवियत संघ यानी कि रशिया की सहायता से बनाया गया, और कोरवा और कोयना इसका प्रमुख केंद्र है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोरवा और कोयना ये सभी क्षेत्र याद रखिएगा किस लिए जाना जा रहा है जो, ठीक है, तो कोरवा और कोयना जो है ये एल्युमिनियम के लिए जाना जा रहा है, बालको के अंतर्गत है। नालको फ्रांस की सहायता से बना है, दामन जोड़ी, दामन जोड़ी शब्द याद रखिएगा, ठीक ना, कहाँ है जो, किस लिए प्रसिद्ध है वो याद रहे ना रहे, दामन जोड़ी स्थान का नाम याद रखेंगे, उड़ीसा। हिंडालको, हिंडालको जो है यूएसए में है, यूएसओ की सहायता से बना है, रेनुकूट उत्तर प्रदेश में। हिंडालको कनाडा के सहायता से, जेके नगर, मूरी और अलवाई, जेके नगर बोले तो पश्चिम बंगाल, मूरी बोले तो आपका चला जाएगा यहाँ पर बिहार, और अलवाई बोले तो चला जाएगा केरल, यानी कि 1938 के आसपास में स्थापना। मालको इटली की सहायता से, चेन्नई, मेट्टूर और सलेम, और वेदांता जो है जर्मनी में की सहायता से, झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा आपको मिलेगा झारखंड में। आगे आइए, एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में आठवां स्थान, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 को किया गया, और इसका ऑफिस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस वो भुवनेश्वर में, यानी कि नालको की स्थापना 1981, हिंडालको का 1958। ये सभी था आपका एल्युमिनियम उद्योग। मुख्यतः इन सभी में जो आपको याद रखना होता है वो पहला याद रखना होता है, कुछ है एक दो फेमस नाम है उसको याद रखना होता है, बाकी राम कहानी मुबारक। कैसे सूती वस्त्र उद्योग में आएंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या कहता है कि आधुनिक भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818, ध्यान देंगे, सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, जो असफल था। मतलब उससे नहीं है, सफल है कि असफल है, प्रश्न जब आपसे पूछेगा तो ये ध्यान देना है ऑप्शन को, कि प्रश्न जो है वो सिर्फ कह रहा है कि सूती वस्त्र की पहली मिल कब लगा या कहाँ लगा, तो ध्यान देना है दोनों चीज पढ़ लेना है कि सफल असफल अगर उसमें नहीं है तब आपको सबसे पहले फोर्ट ग्लास्टर में जाना है, 1818 में जाना है। दूसरा पॉइंट, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में जो सफल हुआ वो लगा 1854 में बंबई में लगा, कवास जी डावर ने लगाया और उत्पादन 1856 में किया। फिर से ध्यान देंगे, जब आपसे अगर प्रश्न करेगा कि पहला सूती वस्त्र कारखाना कब और कहां लगा, तो 1818 फोर्ट ग्लास्टर। जब आपसे प्रश्न कर देगा कि भारत का सबसे पहला सफल सूती कारखाना कब और कहां लगा, तो 1854 में बंबई के कवास जी डावर द्वारा लगाया गया। तो प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा, बेसब्री से नहीं पढ़िएगा, सब्र करके पढ़िएगा। कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीयकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है, डायरेक्टली याद रखेंगे, अन्य राज्य में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। कानपुर को हम भारत उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। जल्दी से बताएंगे कि मैनचेस्टर एक्चुअली में जो शहर है वो किस देश में स्थित है, बताएंगे, मैनचेस्टर लंदन में स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है, जो कि सूती वस्त्र कारखाना के लिए सबसे फेमस स्थान है, उसी के उपाधि जो है अन्य सभी को उसी के जैसा तुलना किया गया है, जिसमें कानपुर जो कि उत्तर भारत का हिस्सा आता है, तो उत्तर भारत में जो है कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र की उत्पादन होता है। दक्षिण भारत बोला तो कोयम्बटूर के नीचे में, यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है,
सबसे ज्यादा पहला स्थान है कृषि का, उसके बाद भारतीय उद्योग में सूती कपड़ा यानी कि कपड़ा उद्योग दूसरा नंबर पे। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, ध्यान देंगे। सर्वाधिक में कृषि मगर प्राचीनतम में कपड़ा उद्योग। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार पैदा करने वाला, रोजगार प्रदान करने वाला भी दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश के जीडीपी में यह उद्योग जो है 4% एवं देश के निर्यात आय में 11% योगदान है। ये सभी 2015 का डाटा है, बदलते रहता है, ठीक है, इसलिए उसको याद रखने की जरूरत नहीं। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, कितना बार लिखेगा, ठीक है। रोजगार प्रदान करने में और अर्थव्यवस्था में जो है ये दोनों में कपड़ा जो है दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर कृषि है, ये दो तरह से याद रखिएगा। मगर भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा, तो कपड़ा उद्योग होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारा जूट उद्योग। जूट उद्योग के अंतर्गत क्या कहता है कि सोने का रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर्स के नाम से मशहूर जूट के रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है, विश्व में प्रथम। इसका पहला कारखाना कोलकाता के रिसरा में 1855 में लगाया गया। भारतीय जूट निगम की स्थापना, यह स्थापना याद रखेगा, जूट निगम 1971 जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई। यानी कि आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि जूट के आयात निर्यात ये सभी की देखभाल के लिए किस संस्था की स्थापना की गई, तो भारतीय जूट निगम 1971। भारत जो है विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र भी है, ठीक है। ये हो गया आपका जूट। आगे पीछे में देख लीजिएगा, जूट से संबंधित कुछ उद्योग के जगह के नाम दिया है, पढ़ लेंगे इसको, बाकी कुछ नहीं करेंगे, पूछता उछता नहीं है इसमें, ठीक है। और नोट में देखेंगे, कहता है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में, इसका मुख्यालय ढाका में है, तो मुख्यालय वाला याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन 1984 मुख्यालय ढाका, जबकि भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971, और इसको यहीं पर रखेंगे, ठीक है। अगला क्लास हम लोग चीनी उद्योग से करेंगे, कोई दिक्कत किन्हीं को तो वो बता सकते हैं। बाकी अगले क्लास में हम लोग चीनी उद्योग को पढ़ेंगे और चीनी उद्योग के आगे जितने भी है वो अगले क्लास में हमारा उद्योग समाप्त हो जाएगा, यानी कि 11 नंबर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा भारत में परिवहन, तो परिवहन से संबंधित भी पढ़ेंगे। बाकी आप इसी तरह से बने रहेंगे, अपना तरीका और अपने विचार प्रकट करेंगे कमेंट में, और कमेंट में बताते रहेंगे वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार और हो सकता है, ये सब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी बायोलॉजी का भी क्लास चल रहा है, साइंस का भी देखा करेंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव जो लूसेंट का आता है वो भी लगभग समाप्त कर दिया गया है, जल्द ही बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, तो वो भी देखते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अभी के लिए जय हिंद।